राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर लोकसभा चुनाव को लेकर क्लस्टर बैठक हुई, जिसे लेकर सियासी घमासान है। कांग्रेस ने बैठक को नियम विरुद्ध बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही निर्वाचन आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आचार संहिता लागू है और ऐसे में सीएम हाउस में बैठक निर्वाचन आयोग को सीधे चुनौती है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी सारे काम नियम कायदों में रहकर करती है और अभी तक सरकार संपत्ति को अपनी निजी जागीर समझने वाली कांग्रेस को इस विषय पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। आचार संहिता के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर भाजपा के क्लस्टर प्रभारियों, पार्टी पदाधिकारियों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों की बैठक चल रही है। हमने उसके फुटेज भी अपने ट्वीट में जारी किए हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट मेंबरशिप ज्वाइन न कर बाहर से समर्थन दे रहा चुनाव आयोग इस पर कितना संज्ञान लेगा। यह तो सीधी तौर पर निर्वाचन आयोग को चुनौती है और सत्तासीन दल दे रहा है तो डबल जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की, कुछ इमीडिएट एक्शन ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी गतिविधियां करती है हमेशा नियम कायदों का पालन करते हुए और नियम कायदों के अनुसार ही करती है। कांग्रेस पार्टी जो 50 सालों तक देश में केवल नियम तोड़कर राजनीति करती रही और सरकार को अपनी निजी संपत्ति समझती रही, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने की बजाय अपनी सरकारों की करतूतों को देखें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी नियमों का पालन करते हुए ही बैठकें और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।